What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from tradingfab.in. आज 24 फरवरी 2020 मंडे है, सुबह के 8:39 हो रहे हैं। नया वीक है, पहला ट्रेडिंग सेशन है। देखते हैं निफ्टी इंडेक्स में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। एक लंबे वीकेंड के बाद मार्केट फिर से काम करने के लिए रेडी है। चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स के पहले हालात देख लेते हैं। फ्राइडे अमेरिकी बाजार यूएस मार्केट्स देखे तो नासडैक 174 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। जो कोरोना वायरस का अटैक था चाइना के ऊपर, ये थोड़ा सा थमता हुआ नहीं दिखा रहा है, ये बल्कि और भी कई देशों में यहाँ से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका ओवरऑल असर पूरे दुनिया भर के बिजनेस के ऊपर गिरेगा और Q3 Q4 के जो रिजल्ट्स है उसके ऊपर इसका असर गिरेगा। यूरोप में भी देखे तो वहाँ पर भी एकदम प्रेशर बना हुआ था, फ्राइडे को सभी लाल निशान में बंद हुए। एशियाई मार्केट आज जब ओपन हो चुके, SGX निफ्टी 98 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। चाइना मार्केट में भी कमजोरी है और जापानीज इंडेक्स 92 पॉइंट की गिरावट के साथ फ्राइडे को यहाँ पर बंद हुआ था। आज जापान में छुट्टी है तो वहाँ पर कोई काम नहीं होगा। डाउ फ्यूचर देखे तो 187 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो लेट आ सकता है तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, आप देख सकते हैं लास्ट वीक का ये जो कैंडल है, यहाँ पर बियरिश सेंटिमेंट्स था वीक के शुरुआत में। हालांकि एंड ऑफ द वीक यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली और जहाँ पर जस्ट ओपन हुआ था उसी के नीचे आके ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि नीचे के लेवल्स में फिर से बुल्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो नीचे की तरफ ये जो 20 EMA है वीकली चार्ट में, ये 11,900 के पास है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। इस मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज होता है, इसके नीचे चला जाता है तो यहाँ से प्रेशर और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऊपर ये जो बियरिश कैंडलस्टिक का हाई है, ये अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया, तो इसके ऊपर अगर कोई सस्टेनेबल मूव आता है तो ही हम यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल वीकली चार्ट अगर देखे तो स्ट्रक्चर बुलिश है, क्योंकि तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो ये है डेली वीकली चार्ट का सिनेरियो। डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट में हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया था, ये जो फॉल आया था, तो ये कहाँ से बाउंस बैक हो सकता है इसके लिए ये लेवल को हमने ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर 50% का जो लेवल था ये ऑलमोस्ट 100 EMA के पास था, जो कि अराउंड 11,900 के पास था। तो यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म होके ये बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ये स्विंग आया है, ये जो स्विंग आया है यहाँ पर, अभी हायर हाई हायर लो का पैटर्न नहीं बना है। हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनेगा तो यहाँ से हमें कंटिन्यू अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अभी यहाँ पर ये जो स्विंग आया है, अगर ये इस स्विंग लो को ब्रेक करता है, यहाँ पर हो सकता है एग्जैक्ट इस स्विंग लो के पास फिर से एक बार सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाए, या फिर अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है तो यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ हमें ये मूव देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल जैसे कि ग्लोबल मार्केट से संकेत आ रहे, तो 12,000 का लेवल जो कि है 38.2% का, यहाँ पर ये फिर से ब्रेक नहीं होना चाहिए। 12,000 काफी क्रूशियल लेवल है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। अगर 12,000 के नीचे फिर से चला जाता है तो 11,900 ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा। ऊपर की तरफ ये जो बियरिश कैंडलस्टिक क्रिएट हुआ था वीकली चार्ट में, हमने देखा यहाँ पर है उसका हाई, तो उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, ये इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही अपसाइड रैली कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। ये लेवल्स को ध्यान में रखकर अपनी लॉन्ग पोजिशन यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या होंगे ये आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि आज ग्लोबल मार्केट्स देख रहे हैं हम, काफ़ी निगेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कल यानी थर्सडे का ये जो लो है इसके नीचे S1 का ये पिवट पॉइंट का लेवल है 12,050, तो हो सकता है गैप डाउन ओपन हो। तो ये जो परसों के दिन का ये जो लो है जहां से ये बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, उस लेवल को अगर ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है, यानी
12,041 के नीचे अगर चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,027, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,012, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन होता है तो 12,000 के नीचे सस्टेन होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाए, एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन होता है तो, अदरवाइज इन लेवल्स को हम फॉलो कर सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ अगर ये मूव करता है तो ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है यानी 12,101 इसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,119, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,149, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।